हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवाब आबिद है और आप हमारे चैनल नवाब हाफ माइंड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। गालियों पे लोग गालियां देते हैं तो ख़राब लगता है, गालियों से क्या प्रभाव पड़ता है और गालियां देना चाहिए अच्छी बात है या बुरी बात है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। गालियाँ बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं और बहुत से लोग गालियाँ देते हैं तो बहुत सा अजीब लगता है। और मैंने गालियाँ कब देना छोड़ रही थी, मतलब अभी भी कभी कभी निकल जाती है, लेकिन कब मुझे ख़राब लगा और कब मैंने गाली देना छोड़ा, तो इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज। और एक हमारे और भी जुनेद भाई थे, वहाँ पे भी एक बार चर्चा हुई थी गाली को लेके। वहाँ पे इमरान अंसारी, जिशान कुरैशी इंदिरा नगर के और एक पत्रकार बैठे थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे ने एक बार कैथेड्रल में एक गाली सुन के आया, उसने गालियाँ आके पूछा पापा ये क्या होता है। तो पहले तो मैं शॉट हो गया, हाय दैया ये कौन सी गालियाँ है। तो बोला ये बेटा किसने कहा है, तो उसने बताया कि एक स्टूडेंट फ्रेंड ने। तो बोला ना तो ये गालियाँ घर में सिखाई जाती हैं और ना ही स्कूल में। हाँ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो देते हैं, उसके बच्चे सीखते हैं, जैसे मोहल्ले में हुआ तो ये सब सीखते हैं। बहुत से पेरेंट्स क्या होता है अपने बच्चों को ही सिखाते हैं गालियाँ देना, बहुत अच्छी बात है, जैसे बहुत ही ख़राब बात है। और ये सब चीज़ें से इग्नोर करना चाहिए, इधर से गालियाँ सुनना चाहिए और इधर से निकाल देनी चाहिए। तो उन्होंने उस बच्चे को जवाब दिया बेटा ये बहुत ही बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, ये गंदे लोग देते हैं, गंदे लोग करते हैं। तो कभी भी अगर ये सेंटेंस ऐसा आए तो उसको सामने वाले को रिप्लाई कीजिए कि ये गलत बात है, ये गंदी चीज़ है, इस चीज़ का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सन 2009 या 10 की बात है, मैं भी ऐसी और स्टूडेंट था उस समय, और गालियाँ जैसे देते थे सब लोग तो मैं भी नॉर्मली इसी तरह गालियाँ देता था। उसके बाद मैं एक बार बालकनी पे खड़ा था और तीन चार स्टूडेंट जा रहे थे गालियाँ देते हुए, तो मुझे वहाँ पे ख़राब लगा कि घर पे हूँ और मोहल्ले में हूँ ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। मैं भी अगर मान लीजिए कहीं जाता हूँ और अगर ऐसी गालियाँ देता हूँ तो सामने वालों को भी ख़राब लगता होगा, किसी के मोहल्ले में या किसी के घर पे जो सुनते होंगे उनको भी ख़राब लगता होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है गालियाँ देना। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि गालियों का प्रयोग कम से कम करें, हो सके तो बिल्कुल इग्नोर कर दें, और अगर सामने वाला देता भी है मजाक मजाक में तो प्लीज़ उसको समझाएं कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। गालियों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नेता को गालियाँ दे चाहे उसको दे, गालियाँ देने से किसी को गालियाँ लगती नहीं है। जाके एक चपाट मार लीजिए, गाली से बढ़ के वो है, चपाट मार लेंगे उसके लगेगा, गालियाँ देने से उसको कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए फिर इसको फॉलो कीजिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। देना वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमें पसंद आता है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन होगा उसको दबा देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक जानी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी वीडियोस की और नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब बटन जो मैंने बताया था ना उसके बगल में एक घंटा आता है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।